हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? बेसिकली आज हमारी ये डे 5 की क्लास है। सो स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार से सेशन में, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस, ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चन जो कि बेस होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज की क्लास के ये पैटर्न क्या रहने वाला है। बेसिकली वोकैब समाधान में हम द हिंदू से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पे बात करेंगे जो कि इमेजेस पे बेस होगा। द हिंदू से रिलेटेड कुछ इमेज बेस्ड वर्ड्स की बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे ग्रामर की और साथ ही साथ ग्रामर रूल्स की बात करेंगे। कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे से पॉइंट्स की बात करेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पे आज के इस सेशन में बात होने वाली है। समझ में आ गई बात? तो पहले सबसे एक काम करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सेशन शेयर कर देना है। वैसे टाइमिंग चेंज हुआ है 10 AM का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता 10 AM का टाइमिंग है, तो ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स को इस लिंक को शेयर कर दो, जिससे सबको ये चीज क्लियर हो जाए कि सेशन 10 बजे हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करते चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भाई। सबसे पहले द हिंदू वोकैब बेस्ड ऑन इमेजेस, सबसे पहले हम बात करेंगे द हिंदू की वोकैब्स की जो कि इमेजेस पे बेस होंगी। और आज की क्लास में आपको कुछ ऐसी वोकैब्स मिलने वाली हैं जो आपने शायद इससे पहले नहीं देखी होंगी, या जिस टाइप के वर्ड्स आपको पहले नहीं मिले होंगे उस टाइप के वर्ड्स पे हम बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्ड की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला वर्ड आपके सामने जो है दैट इज व्हाट, क्या लिखा हुआ है वैसे, क्या लिखा हुआ है, क्या लग क्या रहा है, क्या लिखा हुआ है? ब्रुहाहा। ये वर्ड जो है क्या कहना चाहता है? ब्रुहाहा। ये जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज ब्रुहाहा। ब्रुहाहा मीन्स होता है हो हल्ला, ओवर एक्साइटेड, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए, ओवर एक्साइटेड हो गए, दैट इज ब्रुहाहा, ठीक है। जैसे कि ब्रुहाहा ओवर राम मंदिर, ऐसे रिलेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है, आप समझ सकते हैं। बाकी किसी भी चीज को लेके जो ओवर एक्साइटेड कोई बंदा हो जाता है, दैट इज ब्रुहाहा, ठीक है ना। सो ब्रुहाहा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हो हल्ला, हो हल्ला से रिलेट करता है ब्रुहाहा, ठीक है ना। सो अ नॉइजी और ओवर एक्साइटेड रिएक्शन टू समथिंग दैट पीपल थिंक इज अ बिग डील बट दैट्स एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है। किसी भी चीज को लेके जो जो हमारा जो एक्सटेंट, जो मतलब जिसको बढ़ा चढ़ा देते हैं अपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया, दैट इज ब्रुहाहा, ठीक है ना। सो आप हो हल्ला से ब्रुहाहा को रिलेट कर सकते हैं, समझ में आई बात? वैसे पहले ये वर्ड देखा कभी, बताओ जरा फटाफट, ये वर्ड पहले पढ़ चुके थे या नहीं पढ़े थे? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बोलेंगे नो सर, और जो पढ़ चुके थे पहले वो बताएंगे यस सर। ये वर्ड क्लियर हो गया सबको? चले चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब अगला जो वर्ड है करफफल, करफफल, इसको पढ़ेंगे कैसे? करफफल, करफफल मीन्स होता है बहस, जैसे एक रैबिट और डक के बीच में बहस चल रही है, नहीं मेरा यहाँ पे पोस्टर होना चाहिए, वो कह रहे नहीं मेरा यहाँ पे पोस्टर होना चाहिए, समझ में आ गई बात? मतलब क्या करफफल का मतलब क्या होता है? अपने आप में बहस करना, किसी से झगड़ा करना, बहस करना, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई को रिलेट कर रहा है करफफल, ठीक है। सो करफफल के जो वर्ड्स की मीनिंग है दैट शोर शराबा, शोर शराबा, शराबा से आप रिलेट कर सकते हैं, बहस से रिलेट कर सकते हैं। अब सिनोनिम्स की बात करें तो कमीशन, फस, ये सब क्या है इसके? सिनोनिम्स ही, ठीक है ना। स्पेशली वन कॉज्ड बाय कंफ्लिक्टिंग व्यू, ठीक है, किसी में बहस हो रही है जो झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से बहस की जा रही है, दैट इज करफफल। क्लियर हुई बात? ओके चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, ओके अगला वर्ड आपके सामने मिले। देखिए मिले मतलब क्या होता है? देखिए कुछ लोगों को आप देख रहे हैं हाथ पैर हाथापाई चल रही है, भीड़ में से निकलने के लिए सब परेशान है पूरी तरह से। सो मिले का मतलब क्या होता है? मिले मतलब हाथापाई, मिले मीन्स हाथापाई, अ कंफ्यूज्ड फाइट और स्कफल, स्कफल इसका सिनोनिम हो गया। तो हाथापाई से आप इसको रिलेट कर देंगे, हंगामा हो गया, संभ्रमित भीड़ हो गया, भगदड़ हो गया, हाथापाई मतलब जो एमलेसली लोग इधर उधर भगदड़ मचाए हुए, दैट कुड बी आल्सो मेले, ठीक है। सो अ कंफ्यूज्ड फाइट और स्कफ, सेवरल पीपल वर हर्ट इन दी मेले, मतलब हाथापाई में जो भगदड़ मची, जो भीड़ मची, उसकी वजह से काफी लोगों को चोट लग गई, काफी लोगों को चोटें,
कुछ ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं यहां से। तो मेली वर्ड क्रिएट हुआ, मेली मींस क्या होता है, मेली मींस क्या होता है, हंगामा हो गया, या हाथापाई से आपने रिलेट कर दिया इसको, ठीक है। भगदड़ के लिए जनरली ये वर्ड ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, भगदड़ में जो चोट लग रही है, ऐसी भगदड़, ठीक है ना, समझ गए ना भावनाओं को, हाँ, क्लियर हुआ, यस और नो, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, डॉनीब्रुक। देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड है डॉनीब्रुक, ये द हिंदू के अलावा और कहीं मिलेंगे भी नहीं ऐसे वर्ड्स, ठीक है ना, कहाँ मिलते हैं। डॉनीब्रुक मीन्स भी होता है हंगामा, ये उस प्लेस को रिलेट करता है जहां लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, दैट कुड भी, जैसे कहीं पे किसी का झगड़ा हुआ, सब दौड़ के आ रहे हैं, एक बंदे के फॉलोअर दूसरे बंदे के फॉलोअर दौड़ के आ रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये मतलब लड़ाई झगड़े का जो स्थान है, कोलाहल या लड़ाई झगड़े का स्थान, या हंगामे को रिलेट करेगा क्या डॉनीब्रुक। तो आज हमने लड़ाई झगड़े और हंगामे से रिलेटेड ही वर्ड्स को ज्यादातर देख लिया है, ठीक है ना, बहस हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाथापाई हो रही है, हंगामा हो रहा है, ज्यादातर वर्ड्स हमने ऐसे ही देखे। अ सीन ऑफ अप्रोअर एंड डिसऑर्डर, अ हेटर्ड आर्गुमेंट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये उस पर्टिकुलर प्लेस की बात करेगा जहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहां पे आवाजें बहुत ज्यादा हो रही है, कोलाहल हो रहा है, दैट कुड बी, क्लियर हुई बात। चलिए ये थे कुछ वर्ड्स आज के द हिंदू से सेलेक्टेड कुछ प्यारे से वर्ड्स, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ग्रामर रूल्स की ओर बढ़ते हैं। अभी ग्रामर रूल्स में मैंने बोला आज कंजंक्शन पे बात होगी, तो मजा तो आने ही वाला, आर यू रेडी, चलिए शुरू करते हैं कंजंक्शन के फर्स्ट पॉइंट के साथ। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर द एडवर्ब्स, After the adverbs, hardly, scarcely, barely, इन सबका मतलब होता है मुश्किल से। इन adverbs के बाद generally आप जो sentence को जोड़ते हैं वो when conjunction से जोड़ते हैं या before conjunction से जोड़ते हैं। When आपने कई बार पढ़ा है मैं जानता हूं, लेकिन before से भी जोड़ सकते हैं, ये भी समझेंगे। मतलब hardly, scarcely या barely इस टाइप के words आपको जब मिलते हैं तो आगे का structure या फिर when से जुड़ेगा या फिर बिफोर से जुड़ेगा, इज दैट क्लियर। सो अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसके, हार्डली हैड ही लेफ्ट द प्लेस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, मतलब उसने मुश्किल से ही वो प्लेस छोड़ा ही था कि बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हो गया, बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हो गया मतलब फट गया, कुछ ऐसा रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हार्डली हैड ही लेफ्ट द प्लेस, देन का यूज यहां पे नहीं होगा, आप वेन को यहां पे रिलेट कर सकते हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट वन, ठीक है ना। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या जाएगा हमारा, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या जाएगा, हार्डली हैड ही लेफ्ट द प्लेस व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाने वाला है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर टू, आफ्टर रेदर और अदर, अगर हम रेदर का यूज करते हैं या अदर का यूज करते हैं, रेदर मीन्स के बजाय या के सिवाय के सेंस में हम जनरली रेदर का यूज करते हैं, द सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन शुड बी यूज्ड। देखिए इसके बाद आप देन का यूज करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल से समझिए, ही हैज नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट अ हैंडसम जॉब, मतलब उसका एक अच्छी जॉब पाने के अलावा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और कोई लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य क्या है, एक अच्छी जॉब पाना, एक अच्छी सैलरी पाना, आप कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा जा रहा है ध्यान से समझना, नो अदर ऑब्जेक्ट बट का यूज नहीं करेंगे, अदर के बाद में आप किसको रिलेट करेंगे, देन को रिलेट करेंगे। सो ही हैज नो अदर ऑब्जेक्ट देन टू गेट अ हैंडसम जॉब, कुछ ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जाने वाला है। अगला पॉइंट, आई वुड रैदर By a scooter, but a not a cycle. अब देखिए, would rather, rather than, sooner than, had better. Would rather, मैंने क्या बोला, इससे related एक बहुत ही प्यारा point बताने जा रहा हूं, rather than, sooner than, sooner than, had better। जब इस टाइप की phrases आपको मिल जाए तो समझ जाओ आगे bear infinitive का यूज होगा। bear infinitive का मतलब क्या हुआ, verb की first form तो आएगी लेकिन इसके पहले कभी to नहीं आएगा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी लेकिन उसके पहले टू नहीं आएगा, इस बात को दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 1000 बार बन चुके हैं कम से कम आपके एग्जाम में। समझ गए ये बात? ठीक है, तो जब भी हम वुड रैदर, रैदर देन, सूनर देन, हैड बेटर, इस टाइप के फ्रेजेस का यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वी हैव टू अंडरस्टूड इट वेल, वी हैव टू ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनिटिव। समझ में आ गई बात? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ? टू का यूज नहीं करेंगे बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सो आई वुड रैदर बाय अ स्कूटर देन अ साइकिल, ठीक है, मतलब मैं साइकिल के बजाय स्कूटर खरीदना पसंद करूंगा, कुछ ऐसा रिलेट कर रहा है बंदा, ठीक है ना। तो ये तो आप आराम से समझ पा रहे होंगे। तो बट नॉट का यूज यहाँ पे ना करके देन का यूज करेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है? अब आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लेस्ट द ऑक्सिलरी शुड इज यूज्ड। देखिए जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेस्ट की बात करते हैं, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, पहले भी इस चीज पे मैं बात कर चुका हूं आपसे, जब भी लेस्ट का यूज होता है तो आगे के स्ट्रक्चर में हमेशा शुड का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए अगर मैंने लेस्ट का यूज किया, मतलब लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तो ये सामने वाले की केयर करते हुए उसको क्या किया जा रहा है? सजेस्ट किया जा रहा है। और सजेशन के केस में आप हमेशा क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। इसलिए लेस्ट जब भी सेंटेंस में आ जाएगा तो आगे के सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? शुड का यूज करना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या जाएगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। क्लियर हुई भावना है? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? क्लियर हुआ तो एक बार बता देंगे, और अगर कंफ्यूजन है तो भी बोल देंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट रूल की ओर। द कनेक्टिंग वर्ड दैट इज यूज्ड विद द एडजेक्टिव फ्रेज द सेम द ओनली सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स ऑन। देखिए गोल्डन रूल्स ऑफ दैट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर किसी भी सेंटेंस में द सेम का यूज हुआ, द ओनली का यूज हुआ, या कोई सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ऑल का यूज हो गया, तो आप समझेंगे आगे का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ना हु से जुड़ेगा, ना हुम से जुड़ेगा, ना विच से जुड़ेगा, हमेशा किससे जुड़ेगा? दैट से जुड़ेगा। जैसे दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्टेड, दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्टेड। भैया जैसे ही मैंने द सेम का यूज कर दिया ना, अब आगे विच का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, एक्सैक्टली दिस विद करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। सो दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। जैसे सेम एज अगर मैंने बोला That is the best movie, या अगर मैंने बोला बाहुबली is the best movie which I ever saw, बाहुबली is the best movie which I ever saw। अब यहाँ पे which का use जो मैंने किया, देखिए movie के लिए मैंने best का use पहले ही कर दिया, बाहुबली is the best movie। जैसे ही मैंने ऐसा कुछ बोला तो अब मैं आगे which का use नहीं करूंगा, वैसे movie के लिए which का use होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने बेस्ट लगा दिया, बेस्ट मूवी बोल दिया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, अब सेंटेंस किससे जुड़ेगा? विच से नहीं जुड़ेगा बल्कि दैट से जुड़ेगा। सेम एज अगर मैंने बोला यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, या यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, विच आई एवर सीन, हु आई एवर सीन, हुम आई एवर सीन, कुछ नहीं हो सकता। मैंने द मोस्ट इंटेलिजेंट बोल दिया, मतलब क्या? सुपरलेटिव डिग्री आ गया, और अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गया ना तो आगे का सेंटेंस ना उसे जुड़ेगा, ना हुम से जुड़ेगा, ना विच से जुड़ेगा, हमेशा किससे जुड़ेगा? दैट से जुड़ेगा, तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। क्लियर हुई भावना है? यस और नो? वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, देखिए एक पॉइंट पे आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं तो ये पॉइंट बताना बहुत जरूरी हो गया है। काफी लोग इसमें गलतियां बार बार करते जा रहे हैं, ठीक है। तो समझना है, थोड़ा सा अच्छे से इस पॉइंट को समझना है कि ये पॉइंट आखिर कहना क्या चाहता है। द कंजंक्शन और इज यूज्ड विद नॉट और नेवर।
देखिए नीदर के साथ नॉर का यूज करते हैं, नीदर के साथ नॉर का यूज करते हैं। अब एक चीज और, अब कुछ एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है नीदर मतलब नेगेटिव वर्ड है तो नॉर का यूज होता है, तो नॉट और नेवर के भी साथ नॉर का यूज होता होगा। तो भाई समझना है, नॉट और नेवर के साथ कभी भी नॉर का यूज नहीं होता, नीदर के साथ होता है, नॉट या नेवर के साथ नहीं होता। नॉट या नेवर के साथ क्या यूज होता है? और का यूज होता है। कई बार क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं एग्जाम में और कई बार हम इससे रिलेटेड गलतियां भी करते हैं, तो अब ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए माय डियर एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या जाएगा? आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम नॉर रिटन टू हिम। देखिए देखने में यह सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन गलत। I have never spoken to him nor written to him. पूरी तरह से गलत है। क्या होगा? I have never spoken to him or written to him. मतलब मैंने ना उससे कभी बात की ना उसे कुछ लिखा कभी, मतलब पहले पत्र वगैरह लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे ना, उससे ही रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर not या never आ गया, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपके Not या never आ गया, Now one thing you should keep in your mind that आगे का जो structure है वो relate करेगा, जुड़ेगा किससे? और से जुड़ेगा, ना कि nor से जुड़ेगा। Clear हुई है बात? अगर clear हुई है तो एक बार thumbs up करके बता देंगे yes sir clear। और अगर confusion है तो भी बता देंगे sir confusion है, आपकी confusion clear की जाएगी। Session को like और share करते चलो। अगर कुछ भी नया सीख रहे हो तो भाई सेशन को लाइक और शेयर करते चलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाते चलो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात होगी एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिल्कुल मजा आने वाला है आज, और आज 10 क्वेश्चंस में आपका जो टारगेट स्कोर है वो 8 है। मिनिमम 8 आपको लेके आना है 10 में से, मैक्सिमम कितना? 10 में 10 का स्कोर करना है। अभी आपका स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा जैसे ही हम 10 क्वेश्चन कर लेंगे। सो अब मजा आने वाला है, तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से। आर यू रेडी? शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, यस और नो? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स। वेरी गुड, फटाफट पिक करेंगे आंसर। देखिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये अपने आप में। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। ल्यूनर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है चंद्र प्रभाव। चंद्र प्रभाव मतलब चांद का जो प्रभाव है गुरुत्वाकर्षण वाला, आप उससे रिलेट कर सकते हैं ग्रेविटी, तो उससे हम रिलेट करें चंद्र प्रभाव। तो अब यहां पे अगर मैंने बोला द राइज एंड फॉल, ये बात करता है मतलब टाइड मतलब जो लहर होती है समुद्री लहर है उनकी बात कर रहा है, उनके राइज एंड फॉल को रिलेट कर रहा है। तो ये राइज एंड फॉल क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, मतलब आर का नहीं बल्कि इज का यूज करेंगे तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। तो आर की जगह पे इज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो वर्ब अगर सिंगुलर आएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? लगाओ दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, वेरी गुड, सभी का आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, वैसे ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं और गलतियां नहीं कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल आंसर आपका जो जा रहा है बी पार्ट, जिनका भी जा रहा है बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, बधाई हो, बी पार्ट वालों का आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैनी अ
कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे मैनी आ क्या होता है, मैनी होता है, तो गलत कर दिया आपने अगर ये पार्ट टिक किया, ठीक है। मैनी आ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगला देखिए, अ ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। मैनिया के साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। अ ग्रेट मैनी के साथ नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, मैनी अ मैन, अगर यहां पे एम ई एल लिखा होता तो एरर फर्स्ट पार्ट में आ जाता, ठीक है, फिर आगे हैज ही दिया होता। अब यहां पे वर्ब का प्रॉब्लम है, नाउन तो सिंगुलर आया लेकिन वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। तो हैव की जगह पे जब आप हैज का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। मैनी अ मैन हैव की जगह पे हैज का यूज करेंगे। स्कम्प्ट, स्कम्प्ट मीन्स होता है दम तोड़ देना, दम तोड़ना। टू दिस टेम्पटेशन मतलब इस मोह में बहुत से लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, कोई भी चीज का मोह से रिलेट कर रहा है, ठीक है। टेम्पटेशन मतलब मोह, अंदर से जो आकर्षण है किसी चीज को लेके, दैट इज टेम्पटेशन। सो आपका जो आंसर जा रहा है वो क्या जा रहा है, क्या बात है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी बी पार्ट टिक किया ना माय डियर एस्पिरेंट्स, उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है, सिक्सर लग चुका है माय डियर एस्पिरेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखियो टिक करिए अपना आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, गलतियां नहीं करेंगे। वेरी गुड, ओके। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखिए जरा, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अच्छा देखिए, ध्यान से समझिए, द इंट्रोडक्शन को मैंने पहले रिलेट किया और उसके बाद द टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेज इसकी बात की। तो भाई सिंपल सी चीज है, जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो क्या है, द इंट्रोडक्शन है। द इंट्रोडक्शन क्या है, सिंगुलर है। द इंट्रोडक्शन क्या है, सिंगुलर। तो सिंपल सी चीज है, आगे का जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होता है प्लूरल वर्ब। और जिन्होंने भी ये पकड़ा ना कि टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेज की बात हो रही है, तो भाई सिंपल सी चीज है, ये तो प्लूरल हो गया। तो एक्चुअल सब्जेक्ट के देखो, मैंने कहा प्रॉक्सिमिटी की गलती मत करना, प्रॉक्सिमिटी मतलब समीपता की गलती मत करना। आपको पास वाला सब्जेक्ट नहीं देखना, आपको एक्चुअल सब्जेक्ट देखना है। तो एक्चुअल सब्जेक्ट यहां पर क्या निकल के आ रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेज। हैव की जगह पे आपको हैज का यूज करना पड़ेगा, has not been without some effect, मतलब जो भी टी कॉफी या कोई भी अदर बेवरेज है उनका जो इंट्रोडक्शन है, मतलब उनका जो पर्टिकुलर यूज है कहीं ना कहीं, वो किसी इफेक्ट के बिना नहीं, मतलब कोई ना कोई इफेक्ट तो करती हैं ये चीजें हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। सो क्लियर हो गया आपकी बात, क्लियर हो गया, ओके। वैसे चाय में थीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, समझ में आ रही है, जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं क्या इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पदार्थ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, साइंस का भी और पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं। चलो, सो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल आपका जो आंसर जा रहा था, बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी सी पार्ट टिक किया उनका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट देखेंगे और टिक कर देंगे आंसर। ओके, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। अच्छा एक चीज समझिए यहां पे, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश
क्लोथ्स फास्टर। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो क्या है, द न्यूअर टाइप जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल सब्जेक्ट है। और अगर ये एक्चुअल सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिक मशीन की बजाय जो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट है उसको लेना पड़ेगा हमें। ये सिंगुलर है मतलब वर्ब भी सिंगुलर आएगा। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहा हूं, जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं, वॉश में तो एस एच लिखा हुआ है तो ई एस ही जुड़ेगा, एस नहीं जुड़ेगा, ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में कैसे वर्क करता है, प्लूरल की तरह वर्क करता है। तो वॉश की जगह पे क्या आना चाहिए, वॉशेस आना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है, आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर, ओके। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, तो वॉश की जगह पे वॉशेस का यूज करेंगे, जो नए टाइप की ऑटोमेटिक मशीन है वो क्लोथ्स को और भी तेजी से फास्टर क्या कर रही है, वॉश कर रही है, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे हमने बात की each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. अगर मैंने each of the students को relate किया तो each, every, either, neither, इनके बाद में जो भी नाउन आता है जनरली वो सिंगुलर होता है, लेकिन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है, इसके बाद ऑफ आता है फिर नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है क्योंकि ये सिंगुलरिटी को ही रिलेट करता है, मतलब ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो सिंपल सी चीज है, आगे का जो प्रोनाउन का केस होगा वो भी सिंगुलर होगा, मतलब देयर नहीं बल्कि हिज का यूज करेंगे, देयर नहीं बल्कि हिज का यूज करेंगे। इंडेफिनिटी के केस में आप मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। सो हिज का यूज हमने कर दिया, और अगर हमने हिज का यूज किया तो बीमारी किस पार्ट में गई, क्या बात है, बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट अगर आप टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपने सिक्सर मार दिया, आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है, ठीक है। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए टिक करिए अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा एक चीज बताओ, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, फिर अगर आप देखें तो ये सिंगुलरिटी की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सिंगुलर है या नहीं, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, यू सजेस्टेड को आर नॉट वर्थ वॉच वर्थ सिंग, मतलब कोई भी जो तुमने मूवी सजेस्ट की थी वो कोई भी देखने के लायक नहीं है। अब ये मत सोचना सर ये सजेस्टेड लिखा है ना यहाँ पे तो ये पास्ट में चला गया, भैया पास्ट में नहीं गया, लॉजिकली समझो इस चीज को कि मैंने आपसे बोला, देखिए मैंने आपसे बोला कि जो भी तुमने मूवीज बताई थी भाई, जो भी तुमने सजेस्ट की थी ना मूवी, वो कोई भी देखने के लायक नहीं है, मतलब बेकार है, कुछ ऐसा कहना चाहता है बंदा, मैं नहीं कह रहा ऐसा कुछ, वो बंदा कहना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दूसरे बंदे से, तो भाई सजेस्ट आपने पास्ट में किया था, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो देखने के लायक ही नहीं, कोई भी बेकार है, कुछ ऐसा। तो अब यहाँ पे एवरी वन ऑफ द मूवी ऑफ द फिल्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का यूज होगा या इसका यूज होगा, बिल्कुल इसका यूज होगा, और अगर इसका यूज होगा तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है, क्या बात है, बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सी पार्ट टिक कर रहे हैं ना माय डियर एस्पिरेंट्स तो आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए टिक करिए अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड,
Okay, the secretary and principal of college are attending the district development council meeting at the collectorate. अच्छा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखिए और समझिए कि कहना क्या चाहता है। देखिए, जैसे आर्टिकल टॉपिक में एक चीज आपने पढ़ी होगी, जब हम द का यूज दो डिजिग्नेशंस के पहले करते हैं तो वो एक बंदे की बात हो रही होती है। मतलब द ने क्वालिफाई किया किसको, सेक्रेटरी को भी और प्रिंसिपल को भी। मतलब एक ही बंदा जो है वो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी। मतलब एक ही बंदा रिलेट कर रहा है किसको, सेक्रेटरी को भी और प्रिंसिपल को भी। मतलब दो अलग अलग बंदे नहीं, अगर द का यूज एक के साथ हुआ। जैसे अगर मैंने बोला द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो द लगाया सिर्फ प्रिंसिपल के साथ और एंड लगा के टीचर लिख दिया। मतलब क्या हुआ इसका, कि मैंने किसको रिलेट किया, प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही बंदे, द प्रिंसिपल एंड टीचर। लेकिन अगर मैंने बोला द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मतलब क्या, एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। अब वर्ब प्लूरल आएगा, लेकिन इस केस में ये दोनों द के बेस पे ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। मतलब आगे का वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। मतलब आर की जगह पे आप इसका यूज करेंगे तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। ठीक है, क्या बात है, बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सभी ने सिक्सर मार दिया भाई, सभी का आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। ठीक है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको, अगर द का यूज प्रिंसिपल के साथ भी होता तो वहां पे आर सही हो जाता पूरी तरह से। अगर द का यूज प्रिंसिपल के साथ भी होता तो आर का यूज वहां पे सही हो जाता। ठीक है, सो चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट पिक करेंगे आंसर। ओके, There is only one of his novels that are interesting. देखिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखिए, There is only one of his novels. फिर हमने सिंगुलैरिटी को रिलेट किया, There is only one of his novels. That पहले हमने इज का यूज किया, मतलब यहां से ही हम समझ गए कि यहाँ पे सिंगुलैरिटी की बात हो रही है। अब आगे भी हम रेफरेंस तो उसी को दे रहे हैं ना, अगर ये सिंगुलर है, हेयर और देयर के बाद क्या ट्रू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आगे का जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर हमने पहले इसका यूज किया है, बाद में भी रेफरेंस तो उसी सब्जेक्ट का मिल रहा है, दैट से रिलेट तो हम उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिंगुलैरिटी को ही कर रहे हैं। मतलब क्या, यहाँ पे दैट आर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बल्कि दैट इज इंटरेस्टिंग होगा। और इस बेस पे मेरा आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट इज सी पार्ट। आर की जगह पे जब हम इज का यूज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आपने सी पार्ट टिक किया तो आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है, वरना थोड़ा सा 100 ग्राम गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। मैंने आपको कुछ बताया था पहले, एज वेल एज अलोंग विद नो लेस देन इन एडिशन। जब भी आप इस टाइप के वर्ड्स का यूज करते हैं, एज वेल एज अलोंग विद नो लेस देन इन एडिशन टू, इस टाइप के वर्ड्स का यूज करते हैं, सो आपको जो वर्ब का यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट करना है। अब यहां पे पेशेंस मींस धैर्य हो गया, परसिवरेंस मींस हो गया लगन। ठीक है, सो आर का यूज ना करके, क्योंकि पेशेंस सिंगुलर है, पेशेंस क्या है, धैर्य सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है
तो इसके साथ जो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, पेशेंस के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, मतलब इज नहीं, आर नहीं, बल्कि इज का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एज वेल के एज की जगह पे एंड होता तो आर हो जाता और सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाता। बिल्कुल, आपका जो आंसर जाएगा दैट इज अ बी पार्ट, बीमारी जो छुपी हुई है ना हमारी, सर बी पार्ट में ही है। तो जिन्होंने भी बी पार्ट टिक किया है ना, सिक्सर लग चुका है उनका, आर की जगह पे इसका यूज करेंगे, पेशेंस के अकॉर्डिंग जहां वहां पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ना कि प्लूरल आएगी। ठीक है, तो आर की जगह पे इसका यूज करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और इसके बाद स्कोर बताना शुरू कर देंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, सो इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें, देखने में तो अच्छा लग रहा है, विद से दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को जोड़ा, दोनों क्या है, सिंगुलर। विद से जब हमने जोड़ा तो आगे का जो वर्ब आएगा वो भी तो सिंगुलर ही आएगा, आप इसको बिल्कुल अलोंग विद से ही रिलेट कर सकते हैं विद को, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एक हो गया एंड हिज वाइफ, तो आप दोनों को मत रिलेट करिए, अगर एंड लगा होता तो वर्ब हो जाता करेक्ट था, लेकिन विद लगा हुआ है मतलब जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, मतलब क्या वर्ब की जगह पे आपको वॉज का यूज करना पड़ेगा तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। वर्क की जगह पे जब आप वॉज का यूज करेंगे तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। मतलब बीमारी कहाँ छुपी हुई है सर, बिल्कुल सी पार्ट में प्रॉब्लम छुपी हुई है हमारी। इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ और वाइफ, उनकी जो वाइफ है वो एक फंक्शन में प्रेजेंट है, कहाँ, सिंगापुर में। ठीक है, चल तो ये थे आपके क्वेश्चन, स्कोर बताना शुरू करेंगे फटाफट। ओके, सो बिल्कुल ये आपके होमवर्क के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ग्रुप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी देंगे अपने आंसर, साथ ही साथ होमवर्क के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में भी देंगे, अपने थॉट्स को रेगुलर बेस पे देंगे। ठीक है, सो ओके, होमवर्क के आंसर्स आपके सामने, जो लास्ट टाइम आपको होमवर्क मिला था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 के आंसर्स आपके सामने हैं। इसी के साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाएंगे, दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास, इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। रेगुलर बेस पे रात में 9 बजे क्विजेज आपकी होती हैं, उन क्विजेज को ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ ये जो आपका सेशन है सुबह 10 बजे रेगुलर आपका सेशन होना है, ठीक है ना, इससे रेगुलर बेस पे जुड़ेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन रहेगी सर, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे, जैसे कई स्टूडेंट्स करते हैं, किसी पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है तुरंत आस्क करिए, 1000 बार पूछिए सर, अगर आपको नहीं समझ में आता है बार बार पूछिए, जब तक डाउट नहीं क्लियर हो जाता है तब तक पूछना है। लेकिन हमारी सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव हम कैसे करेंगे, जब हमारे अंदर डाउट आएगा और वो डाउट रिजॉल्व होगा, उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, तभी इंप्रूवमेंट होगा सर। क्लियर हुई चीज है? ओके, सो इसी के साथ सेशन हो चुका है समाप्त। भाई एक लाइक तो बनता है ना बॉस इस सेशन के लिए। ओके, सो सेशन को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे इस सेशन को, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, किस टाइप की और आप क्लासेस चाहते हैं उसको भी शेयर करेंगे, ठीक है ना, अपने थॉट्स देंगे, अपने आंसर्स देंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में ठीक 10 बजे D6 की क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माई एस्पिरेंट्स।